आज देश अनेक नए कदम उठा रहा है और इसलिए अब आप देखिए स्पेस सेक्टर में हमने खुला कर दिया, देश के युवाओं को अवसर मिला है। हमने कृषि क्षेत्र को कानूनों से मुक्त कर दिया, बंधनों से मुक्त कर दिया। हमने आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया हुआ है। जब भारत स्पेस सेक्टर में पावर ताकतवर बनता है तो पड़ोसियों को जरूर उसका लाभ होता है। जब आप ऊर्जा के क्षेत्र में पावरफुल होते हैं तो जो देश अपना अंधेरा मिटाना चाहता है भारत उसमें मदद कर सकता है। देश के जब हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर आत्मनिर्भर हो जाता है तो विश्व के अनेक देशों को टूरिज्म के रूप में, हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में भारत उनकी पसंदीदा बन सकता है। और इसलिए हमें आवश्यक है कि हम भारत में बने सामान की पूरी दुनिया में वाहवाही कैसी हो। और एक जमाना था हमारे देश में जो चीजें बनती थी, हमारे स्किल मैन पावर के द्वारा जो काम होता था उसकी दुनिया में बहुत वाहवाह होती थी, इतिहास गवाह है। हमें जब आत्मनिर्भर की बात करते हैं तब सिर्फ इंपोर्ट कम करना इतना ही हमारी सोच नहीं है। जब आत्मनिर्भर की बात करते हैं तब हमारी ये जो कौशल्य है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स का सामर्थ्य है, जब चीजें बाहर से आने लगती है तो उसका वो सामर्थ्य खत्म होता चला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो नष्ट हो जाता है। हमें हमारे उस सामर्थ्य को बचाना भी है, बढ़ाना भी है, कौशल्य को बढ़ाना है, क्रिएटिविटी को बढ़ाना है और उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। हमें स्किल डेवलपमेंट की दिशा में बल देना है। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। हम जानते हैं जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं, हम में से जो भी 25-30 साल की उम्र से ऊपर होंगे उन सबने अपने परिवार में अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि भाई बेटे बेटी अब 20 साल 21 साल के हो गए हो, अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, 20-21 साल में भी परिवार संतानों से अपने पैरों पर खड़े होने की अपेक्षा करता है। हम तो आजादी के 75 वर्ष के एक कदम दूर है, तब हमारे लिए भी भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है, आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। जो परिवार के लिए आवश्यक है वो देश के लिए भी आवश्यक है। और इसलिए और मुझे विश्वास है भारत इस सपने को चरितार्थ करके रहेगा। और उसका कारण मेरे देश के नागरिकों के सामर्थ्य पर मुझे यकीन है, मुझे मेरे देश की प्रतिभा पर गर्व है, मुझे देश के युवाओं में, देश की में अप्रतिम सामर्थ्य जो है उस पर मेरा भरोसा है। मेरा हिंदुस्तान की सोच, हिंदुस्तान का अप्रोच, इस पर विश्वास है। और इतिहास गवाह है कि भारत एक बार ठान लेता है तो भारत करके रहता है। जब हम एक असाधारण लक्ष्य को लेकर के असाधारण यात्रा पर निकलते हैं तो रास्ते में चुनौतियों की भरमार होती है और चुनौतियां भी असामान्य होती है। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए हैं, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई
देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अतुट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं? देश क्या कर सकता है? ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ देश को 3 दशक के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देने में हम आज यशस्वी हुए हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में इसकी स्वागत के समाचार एक नई ऊर्जा, नए विश्वास दे रहे हैं। ये शिक्षा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों को जड़ से जोड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसको एक ग्लोबल सिटीजन बनाने का भी पूरा सामर्थ्य देगी। वो जड़ों से जुड़ा होगा लेकिन उसका सर आसमान की ऊंचाइयों को छूता होगा। आज आपने देखा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक विशेष बल्ब दिया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, क्योंकि देश को प्रगति करने के लिए इनोवेशन बहुत आवश्यक होता है। इनोवेशन को जितना बल मिलेगा, रिसर्च को जितना बल मिलेगा, उतना ही देश को आगे ले जाने में और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर आगे बढ़ने में बहुत ताकत मिलेगी। सिक्किम ने अपनी एक ऑर्गेनिक स्टेट की पहचान बनाई है, वैसे ही लद्दाख, ले करगिल, ये पूरा क्षेत्र हमारे देश के लिए कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में उसकी पहचान बना सकता है। और इसके लिए भारत सरकार वहां के नागरिकों के साथ मिलकर के एक नमूना रूप, प्रेरणा रूप कार्बन न्यूट्रल और वो भी विकास का मॉडल, वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति वाला मॉडल, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भर भारत की अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान, और इसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसान को पिछले दिनों हमने देखा है, एक के बाद एक रिफॉर्म आजादी के इतने सालों के बाद किए गए हैं। किसान को तमाम बंधनों से मुक्त करना हो, वो काम हमने कर दिया है। आप सोच नहीं सकते होंगे, हमारे देश में आप अगर साबुन बनाते हैं, हिंदुस्तान के कुछ में कोने में जाके साबुन बेच सकते हैं। आप अगर कपड़ा बनाते हैं, दुनिया के किसी कोने में जाके कपड़ा बेच सकते हैं। आप चीनी बनाएं, आप चीनी बेच सकते हैं। लेकिन मेरा किसान, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मेरे देश का किसान जो उत्पादन करता था, न वो अपनी मर्जी से बेच सकता था, न अपनी मर्जी से जहां बेचना चाहता था वहां बेच सकता था। उसके लिए जो दायरा तय किया था वहीं बेचना पड़ता था। उस सारे बंधनों को हमने खत्म कर दिया है। अब हिंदुस्तान का किसान उस आजादी की सांस को ले पाएगा, ताकि वो हिंदुस्तान के किसी में भी, दुनिया के किसी भी कोने में अपना माल बेचना चाहता है, वो अपने टर्म्स पर बेच पाएगा। इस बात को हमने किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक वैकल्पिक चीजों को भी बल दिया है। उसके किसानी में इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो, सोलार पंप,
उसको डीजल पंप से मुक्ति कैसे दिला दे, अन्नदाता ऊर्जादाता कैसे बने, मधुमक्खी पालन हो, फिशरीज हो, पोल्ट्री हो, ऐसे अनेक चीजें उसके साथ जुड़ जाएं ताकि उसकी आय दोगुना हो जाए। उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आज समय की मांग है हमारा कृषि क्षेत्र आधुनिक बने, मूल्य वृद्धि हो, वैल्यूएडेशन हो, फूड प्रोसेसिंग हो, पैकेजिंग की व्यवस्था हो, उसको संभालने की व्यवस्था हो, और इसलिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आपने देखा होगा इस कोरोना कालखंड में ही पिछले दिनों 1,00,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की सरकार ने आवंटित किए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसानों की भलाई के लिए होगा, और इसके कारण किसान अपना मूल्य भी प्राप्त कर सकेगा, दुनिया के बाजार में बेच भी पाएगा, विश्व बाजार में उसकी पहुंच बढ़ेगी। देशवासियों के जीवन को, देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। इसमें हम भूमिका रहेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। इस पर 110,00,000 करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 7,000 प्रोजेक्ट्स की पहचान कर ली गई है। इससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी, एक नई गति भी मिलेगी। और इससे हमेशा कहा जाता है ऐसे संकट की घड़ी में जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दिया जाए ताकि आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है, उसके जुड़े हुए कई काम एक साथ चल जाते हैं, छोटे बड़े उद्योग, किसान, हर मध्यम वर्ग को इसका बहुत लाभ होता है। और आज मैं एक बात स्मरण करना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज की एक बहुत बड़ी दूरगामी असर पैदा करने वाली योजना को प्रारंभ किया था, और देश के रोड नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट जनरेशन पर ले गए थे। आज भी वो स्वर्णिम चतुर्भुज की तरफ देश बड़े गर्व से देख रहा है। हाँ, हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है, देख रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अटल जी ने अपने समय में एक काम किया, लेकिन अब हमें उसे आगे ले जाना है, हमें नई और ले जाना है। और अब हम साइलोज में नहीं चल सकते। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रोड का रोड वाला काम करेगा, रेल का रेल में चला जाएगा, न रेल का रोड से संबंध, न रोड का रेल से संबंध, न एयरपोर्ट का पोर्ट से संबंध, न पोर्ट का एयरपोर्ट से संबंध, न रेल स्टेशन रेलवे स्टेशन का बस से संबंध, बस स्टेशन से संबंध, न बस स्टेशन का रेलवे, ऐसी स्थिति नहीं चले। अब हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉम्प्रिहेंसिव हो, इंटीग्रेटेड हो, एक दूसरे के पूरक हो, रेल से रोड पूरक हो, रोड से सी पोर्ट पूरक हो, सी पोर्ट से पोर्ट पूरक हो। ये हमें एक नए सदी के लिए हमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको जोड़ने के लिए हम अब आगे बढ़ रहे हैं, और ये एक नया आयाम होगा। बहुत बड़ा सपना लेकर के इस पर काम शुरू किया है, और मुझे विश्वास है ये साइलोस को खत्म करके हमारे इस सारी व्यवस्था को एक नई ताकत देंगे। भाइयों बहनों, मैंने पिछली बार यहां पर जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, आज उसको 1 साल हो रहा है। मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि जो हमने सपना लिया है कि पीने का शुद्ध जल, नल से जल हमारे देशवासियों को मिलना चाहिए, स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान भी शुद्ध पीने के जल से जुड़ा हुआ होता है, अर्थव्यवस्था में भी उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, और उसको लेकर के जल जीवन मिशन शुरू किया। आज मुझे संतोष है कि प्रतिदिन हम 1,00,000 से ज्यादा घरों में, हर दिन 1,00,000 से ज्यादा घरों में जल पहुंचा रहे हैं, पाइप से जल पहुंचा रहे हैं, और पिछले 1 साल में 2 करोड़ परिवारों तक हम जल पहुंचाने में यशस्वी हुए हैं। और विशेष करके
जंगलों में दूर दूर रहने वाले हमारे आदिवासियों के घरों तक ये पहुंचाने का काम बड़ा अभियान चला है। और मुझे खुशी है कि आज जल जीवन मिशन ने देश में एक तंदुरुस्त स्पर्धा का माहौल बनाया है। जिले जिले के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो रही है, नगर नगर के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो रही है, राज्य राज्य के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो रही है। हर किसी को लग रहा है कि प्रधानमंत्री का जल जीवन मिशन का ये जो सपना है उसको हम जल्दी से जल्दी अपने क्षेत्र में पूरा करेंगे। कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एक नई ताकत इस जल जीवन मिशन के साथ जुड़ गई है और उसके साथ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। एक वर्ष पूर्व 370 से आजादी मिल चुकी है, एक साल पूरा हो चुका है। ये एक साल जम्मू कश्मीर के एक नई विकास यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये एक साल वहां महिलाओं को, दलितों को मूलभूत अधिकारों को देने वाला कालखंड रहा है। ये हमारे शरणार्थियों को गरिमापूर्ण जीवन का भी एक साल रहा है। विकास का लाभ गांव और गरीब तक पहुंचाने के लिए बैक टू विलेजेस जैसे विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं जानता हूं जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं तब अनेक आशंकाएं प्रकट भी की जाती हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए लाखों चुनौतियां हैं और जब विश्व स्पर्धा के मोड़ में हो तब तो चुनौतियां बढ़ भी जाती हैं। लेकिन देश के सामने अगर लाखों चुनौतियां हैं तो देश के पास करोड़ों समाधान देने वाले शक्ति भी है, मेरे देशवासी भी हैं जो समाधान का सामर्थ्य देते हैं। अब देखिए, कोरोना के संकट काल में हमने देखा कि बहुत सी चीजों के लिए हम कठिनाइयों में हैं। हमें दुनिया से लाना है, दुनिया दे नहीं पा रही थी। हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के उद्यमियों ने, हमारे देश के उद्योग जगत के लोगों ने बीड़ा उठा लिया। जिस देश में N95 नहीं बनता था बनने लगे, PPE नहीं बनता था बनने लग गए, वेंटिलेटर नहीं बनता था बनने लग गए। देश की आवश्यकता उसकी तो पूर्ति हुई, लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई। दुनिया की जरूरत थी, आत्मनिर्भर भारत दुनिया को कैसे मदद कर सकता है आज हम इसमें हम देख सकते हैं। और इसलिए विश्व की भलाई में भी भारत का योगदान करना यह दायित्व बनता है और उसलिए भी हमें उसी प्रकार से बहुत हो चुका है। आजाद भारत की मानसिकता क्या होनी चाहिए? आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। आइए हम मिलकर के संकल्प लें, आजादी के 75 साल के पर्व की ओर जब कदम रख रहे हैं तब वोकल फॉर लोकल का जीवन मंत्र बन जाए और हम मिलकर के भारत की उस ताकत को हम बढ़ावा दे दें।